हमारी उनकी जो खामोशियों में बात चली, जरा सी बात थी लेकिन तमाम रात चली, और वो जो चले तो उनके साथ कायनात चली, और हमारे साथ ना दिन ही चला ना रात चली। समय की बात कर रहे थे तो मैं समय की बात से शुरू करता हूँ कि जो के घर माँ समय की समझ ना सका, मेरी दृष्टि में मानव का ज्ञान है और इस समय चक्र से कोई बच ना सका। क्या देवता और क्या इंसान है जो के घर माँ समय की समझ ना सका। ये समय चक्र किसको बनाएगा क्या और किसको कहाँ तक ये पहुंचाएगा। इस जगह मुल्ला पंडित हुए फेल हैं, क्या लगा पाया कोई भी अनुमान है जो के घर में समय की समझ ना सका। और राजगद्दी पे कल बैठना था जिसे, उसको वनवास 14 बरस का मिला। राजगद्दी पे कल बैठना था जिसे, उसको वनवास 14 बरस का मिला। और इस जगह मुल्ला पंडित हुए फेल। वशिष्ठ जी जो के आप समझिए बिल्कुल उच्चतम स्तर के पुरोहित थे, उनके वो भी नहीं लगा पाए इस जगह, जो इसका कोई अनुमान ही नहीं लगा पाया है। आज स्थिति क्या है कि कामधेनु काया में प्राणी बना लिया पापों का पुल, पुल पापों में भोग, भोग में रोग, रोग में नर्व्याकुल। तो ये व्याकुलता क्यों है कि ग्रहण है आस्थाओं में विचारों में प्रदूषण है, ग्रहण है आस्थाओं में विचारों में प्रदूषण है और सहारों की नहीं आशा, सहारों में प्रदूषण है। नहीं उपवन महकता है सुवासित पुष्प ना मिलते, और यही है वेदना हमको, बाहरों में प्रदूषण है, और घोटालों पर घोटाले हो रहे जो देश में अपने, ये अपनी अर्थ नीति के सुधारों में प्रदूषण, और प्रदूषित श्वास है हर एक जो शहरों में है ली जाती, और धुआं है चिमनियों में, चल
प्रदूषण है, धुआं है चिमनियों में चलती कारों में प्रदूषण है। ना अपना शुद्ध भोजन है, ना अपना शुद्ध पानी है, ना अपना शुद्ध भोजन है, ना अपना शुद्ध पानी है। और इसी से आज मानव के विचारों में प्रदूषण है, इसी से आज मानव के विचारों में प्रदूषण है। यही है वेदना हमको बाहरों में प्रदूषण है। हमारी उनकी जो खामोशियों में बात चली, हमारी उनकी जो खामोशियों में बात चली, जरा सी बात थी लेकिन तमाम रात चली, जरा सी बात थी लेकिन तमाम रात चली। और वो जो चले तो उनके साथ कायनात चली, वो जो चले तो उनके साथ कायनात चली। और हमारे साथ ना दिन ही चला ना रात चली, हमारे साथ ना दिन ही चला ना रात चली। और किसी से बात में जो जुल्फ और रुख की बात चली, किसी से बात में जो जुल्फ और रुख की बात चली, तो उधर से दिन निकल आया इधर से रात चली, उधर से दिन निकल आया इधर से रात चली। और कुछ अंग्रेजी कही जाएगी, हिंदी कही, पहले हिंदी, एक हिंदी का गीत और सुना दूं मैं कि मानव और समाज में है ऐसा संबंध, जैसे हर एक पुष्प में बसी हुई है गंध, गंध जिस तरह सारे, गंध जिस तरह सारे आलम को महकाती, मानवता बह के समाज को राह दिखाती। और क्या कि मानव जीवन है कर्म क्षेत्र, सत्कर्म बीज बोने के लिए, इसमें जिसने माया बोली वो बैठ गया रोने के लिए। मानव जीवन है कर्म क्षेत्र, सत्कर्म बीज बोने के लिए, इसमें जिसने माया बोली वो बैठ गया रोने के लिए। दैविक तत्वों से होती है अंतःकरण की संरचना, सौजन्य सत्य सद्भाव सभी रहते हैं हर एक मन अंगना, दुष्कर्म करें जब आकर्षित प्रारंभ करें रंग में रंगना, अंतस्थल अंतर द्वंद छिड़े करना ये कर्म नहीं करना। और आत्मा पुकार पुकार कहे दुष्प्रवृत्तियां खोने के लिए, इसमें जिसने माया बोली वो बैठ गया रोने के। पूरा गीता का इसमें जो है वो सारांश कहना चाहिए मैंने इसमें किया है कि कर्मों का फल तो निश्चित है, स्वीकार इसे करना होगा। यदि स्वयं सुखी रहना चाहो तो सबका दुख हरना होगा, प्रतिक्रिया क्रिया की होती है ये नियम ध्यान रखना होगा। कर्मों के फल भुगतान हेतु फिर नया रूप धरना होगा, और कर्तव्य निभाओ अपना तुम होगा जो है होने के लिए। इसमें जिसने माया बोली वो बैठ गया रोने के लिए। तत्काल कभी फल मिलता है होता विलंब भी परिणति में, जैसे मदिरा पी चढ़े नशा
पर समय चाहिए उन्नति में, स्थाई नहीं होता है ये अंतर है इसकी स्थिति में। कितना विवेक है मानव में परिणामों की अनुपस्थिति में, ईश्वर ने यही व्यवस्था की मानव का मन टोने के लिए। इसमें जिसने माया बोली वो बैठ गया रोने के लिए। अंतिम बंद का करना होगा एक दृष्टिपात अपने कर्मों के उपवन में, के कितना समय व्यतीत किया श्री हरि के पूजन वंदन में। शुभ कर्मों पर संतोष करो, शुभ कर्म करो निज जीवन में, और विगत अशुभ पर धैर्य धरो, तुम धीर न हो ना उलझन में। और प्रायश्चित करके परिशोधन ही है पाप कर्म धोने के लिए। इसमें जिसने माया बोली वो बैठ गया रोने के लिए। और जिंदगी एक सजा है, जिंदगी एक सजा है, हमें जीना होगा, और जहर भी कोई पिलाएगा तो पीना होगा। और चाक जब तेग सितम से मेरा सीना होगा, उसमें यादों का तेरी दफन दफीना होगा। थक गए हैं कदम दूर मंजिल, दिल पे काबू हमारा नहीं है। थक गए हैं कदम दूर मंजिल, दिल पे काबू हमारा नहीं है। कैसे देखेंगे बाजू में नजारा, ना तवां है सहारा नहीं है। थक गए हैं कदम दूर मंजिल। और उसने मतला है इसका कि कश्तिये दिल पे तारीकियां हैं, सूझता अब कनारा नहीं है। आह तुमको कभी कश्मकश में, आज हमको सहारा नहीं है। थक गए हैं कदम दूर मंजिल। और ये अध्यात्म से इसका सब जुड़ाव आसमान से, जितने इसमें शेर हैं जो भी अशार हैं, कि वो निगाहे तबस्सुम अदाए आज भी ढूंढती हैं, निगाहें आज भी ढूंढती हैं, निगाहें मंजरों में जमाने के सब हैं, आपका ही नजारा नहीं है। थक गए हैं कदम दूर मंजिल, तुम निगहबान हो जिंदगी के, तुम गमे आदमी जानते हो, तुम गमे आदमी जानते हो। और तुम तो मौजूद हो हर कदम पर, तुम तो मौजूद हो हर कदम पर, हमने तुमको पुकारा नहीं है। कदम दूर मंजिल, पी गए सैकड़ों में कदे में, रिंद भी और शेख हरम भी, रिंद भी और
शौक भी और साकिये बज़्मे हस्ती का अब तक मेरी जानिब इशारा नहीं है। थक गए हैं कदम दूर मंजिल राहजन राह में है हजारों, किस तरह कारवां बच सकेगा, किस तरह कारवां बच सकेगा और कैसे तय होगी मंजिल हमारी, कैसे तय होगी मंजिल हमारी। राहबर का सहारा नहीं है, थक गए कदम दूर मंजिल के धीर बहती है ऐसी हवाएं, हो गई हैं मुकद्दर फजाएं, हो गई हैं मुकद्दर फजाएं। और थे कभी अपने अहले जमाना, थे कभी अपने अहले जमाना, अब जहां में गुजारा नहीं है। थे कभी अपने अहले जमाना, अब जहां में गुजारा नहीं है।